ये देखिए दोस्तों कितने टेस्टी और यम्मी बैंगन का चोखा बनाया है हमारा, और लिट्टी तो मैंने हस्बैंड को दे दी थी। तो यहाँ पर ले लिया मैंने 3 टमाटर और बैंगन, और ये ले लिया लहसुन। तो आज बनाएंगे हम लिट्टी चोखा। तो पहले मैं चोखे की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इतने बड़े साइज का बैंगन ले लिया है। तो आप लिट्टी चोखा बनाइए सर्दी में और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को। तो ये देखिए, मैंने गैस पर इस तरीके से बैंगन को भून लिया है। 3 टमाटर रख लिया है, लहसुन रख लिया, आप हरी मिर्च भी रख सकते हैं। इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। 3 से 4 बार हम टमाटर और लहसुन को और बैंगन को अलट पलट के सेक लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओनियन को चॉप कर लिया है, जो कि हम चोखे में डालेंगे। इस तरीके से आप प्याज काट के डालिए, बहुत ही टेस्टी लगता है चोखा और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनती है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया सारी चॉप, और अब काट लूँगी मैं 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, जितनी आपको खानी है उतनी कर सकते हो। और यकीन मानिए, इतना अच्छा और टेस्टी बनता है जब आप इस तरीके से बनाते हो, तो बहुत ही सब तारीफ़ करने लग जाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, बैंगन और मेरे टमाटर और लहसुन अच्छी तरीके से सिक गए हैं। अब मैं इनका छिलका उतार लूँगी ठंडा होने के बाद। एक आप नाइफ़ की सहायता से इस तरीके से आप छिलका उतार सकते हो, क्योंकि गर्म है, हाथ जलने का भी डर रहता है। तो धीरे धीरे उतारिए। और ये देखिए कितना गर्मा गर्म अच्छी तरीके से भुन गए हमारे बैंगन, और बहुत ही लाजवाब बनने वाला है आज का हमारा बैंगन का जो लिट्टी चोखा बनता है। तो एक ले लिया मैंने बाउल, बाउल में मैंने ये सारे निकाल लिया। लहसुन को छील लूँगी, टमाटर को भी छील लूँगी, और उसके बाद मैं इसे पानी से धो लूँगी हल्का सा, ताकि ये अच्छी तरीके से जो हमारे छिलके हैं साफ़ हो जाएं। और ये ऊपर का पार्ट काट दूंगी मैं, और एक मैसर की सहायता से मैश कर लेंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से करना है आपको, और लहसुन वगैरह सब इसी के अंदर है, हमें एक्स्ट्रा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डाल दिया मैंने इसमें सारे मिर्च मसाले, और डाल दिए प्याज हरी मिर्च। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दिया क्योंकि ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो डाल देंगे कैच का चाट पाउडर और थोड़ा सा काला नमक, और अमचूर पाउडर भी डाल दीजिए आप इसमें, खटास के लिए बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद डाल दूंगी मैं इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, सरसों के तेल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरा धनिया से हम गार्निश कर लेंगे, और इसको एक साइड रख देंगे। लगा देंगे हरी लाल मिर्च का तड़का गर्मा गर्म, और ये देखिए कितना लाजवाब बनाया हमारा बैंगन का भरता। और अब बनाऊंगी मैं लिट्टी चोखा, जो कि मैंने इसमें सत्तू का आटा ले लिया है। इसमें मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हरी मिर्च और प्याज काट लिया, थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया है, और मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और ये देख लेंगे कि हमारी हाथों में ये बुझ रहा है क्या, इस तरीके से, ये देखिए। और फिर मैंने आटा, हमारा मेरे पास गूंदा हुआ रखा था, तो मैंने इसी की बना दी थी, एक्स्ट्रा आटा नहीं लिया था। तो आप मोइना गूंदने के लिए सख्त आटा गूंद लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के आटा गूंद के इस तरीके से लोई बना के बीच में स्टफ़ कर दीजिए इस तरीके से सत्तू का आटा। तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है हमारी लिट्टी चोखा जो बनता है। तो यहाँ पे ले लिया मैंने एक अप्पे पैन, तो मैं अप्पे पैन में बनाऊंगी। इस तरीके से डाल दीजिए, और बहुत ही जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और एक बेहतरीन रेसिपी है जो सभी को पसंद आती है। सर्दियों में इस बार आप बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को। और इस तरीके से हम अलट पलट के इसको सेक लेंगे। ये देखिए किस तरीके से सेक रही हूँ मैं, ये देखिए, और बहुत ही आसानी से बन जाती है इस तरीके से बनाते हो आप, और अच्छी तरीके से सीख जाती है। अलट पलट के मैंने अच्छी तरीके से सेक लिया है इसको, और अब बना लूँगी मैं इसके लिए चटनी। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक और धनिया ले लिया है, जो लिट्टी चोखे के साथ बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है। आप इस तरीके से चटनी बनाइए और खाते रह जाएंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो मैंने इसमें काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया चटनी में, और फिर से दोबारा मैंने इसे सेकना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से सीख गए, और चटनी भी मेरी बन गई है। तो अब उतार लूँगी मैं इसे अच्छी तरीके से, और एक जिसपे मैंने बैंगन का भरता भुना था, मतलब भरता बैंगन भुना था, तो मैं उस पर अच्छी तरीके से सेक लूँगी जब तक कि ये जल ना जाए, जब तक कोई टेस्ट नहीं आता। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से बन गई है। तो आई होप आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो पे नहीं आई तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कल फिर मैं आपके लिए एक बेहतरीन रेसिपी लेके आऊँगी। और ये देखिए कितना मज़ेदार और बेहतरीन लिट्टी चोखा बनाया है, और साथ में इतनी बेहतरीन चटनी बनी है हमारी। आप इस चटनी को बनाइए, इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और कल फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैंने थोड़ी फास्ट कर दिया क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो थी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।